आज मैं आपको रेडीमेड कुर्ती की दो तरीके से फिटिंग करना बता रही हूँ। ये कुर्ती हमारी 40 साइज की है, हमें इसमें 36 साइज की फिटिंग देनी है। देखिए इसका चेस्ट 20 इंच जा रहा, तो 20 का डबल हुआ 40, तो ये 40 साइज की कुर्ती है। अब मैं इसको 36 में फिटिंग करना बताऊंगी। देखिए ये कुर्ती 36 साइज की है, ये देखिए इसका चेस्ट है 18 इंच और इसका वेस्ट 17 इंच है और इसकी कमर 40 इंच है। अब इस साइज की कुर्ती हमें उसको बनाना है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है। देखिए हमने कुर्ती को उल्टा कर लिया है। देखिए अगर आपके पास मशीन नहीं है तो पहला तरीका मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आपको क्या करना है, इस कुर्ती को उल्टा रखना है और ये कुर्ती हमारी सीधे में रहेगी। अब आप इसको बहुत ही आसानी से फिटिंग देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको ऊपर से ऐसे मिला लीजिए, यहाँ से ऐसे मिला के रख लीजिए शोल्डर के पास से। अब देखिए इसके साइज में इतना फर्क है। अब आपको क्या करना है, ऐसे फैलाइए ऐसे सही से, यहाँ से आपको ऐसे निशान लगाना है और हम बाजू को भी ऐसे सही से रख लेंगे और इस बाजू को पकड़ना है और ऐसे रख लेना है। यहाँ भी हम डॉट डॉट करके ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अगर आपकी बाजू बड़ी है तो आप कटिंग कर दें। अपनी कुर्ती को आप रख के ऐसे निशान लगा के ऐसे आप सुई से फिटिंग दे सकते हैं घर पे, अगर आपके पास मशीन नहीं है। अगर आप ऐसे फिटिंग देंगे, चाहे मशीन से दें या आप सुई से, तो आपके आर्मोल में हमेशा झोल आएगा, क्योंकि इसकी आर्मोल की कटिंग सही से नहीं होती है। इसलिए मैं आपको इसकी कटिंग कर फिटिंग करना बताऊंगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बाजू खोल लेनी है। दोनों बाजू हम खोल के अलग कर लेंगे। देखिए हमने बाजू खोल ली है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी बाजू है ये देखिए सीधी कटी हुई है, क्योंकि इसमें जो हम लोग पौन इंच डाउन करते हैं वो कटिंग इसमें नहीं है। आप दोनों बाजू निकाल के बाहर रख लीजिए। ये देखिए हमने दोनों बाजू निकाल ली है। अब हम आपको बताएंगे कुर्ती में कैसे कटिंग करनी है। देखिए जिस कुर्ती से फिटिंग करनी है, पहले आप उसका शोल्डर नाप लीजिए। देखिए इसका शोल्डर 12 इंच आ रहा है और इस कुर्ती का शोल्डर 15 इंच है, तो हमें इसको 12 में तैयार करना है। देखिए अब हम कुर्ती को पहले फोल्ड करेंगे, ऐसे कुर्ती को फोल्ड कर लीजिए। देखिए हमने इसको बराबर से रख लिया है। अब आपको क्या करना है, शोल्डर की नाप लगानी, तो आप यहाँ से रख लीजिए गले के पास से ऐसे। 12 इंच हमारा शोल्डर था तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए 6.5 पे निशान लगाएंगे। ऐसे डॉट डॉट करके आप निशान लगा लीजिए। या आप चाहें तो खुली कुर्ती में भी निशान लगा सकते हैं, ऐसे खुला करके रख लीजिए और ऐसे करके नाप लगा लीजिए। यहाँ से 12 इंच का नाप लगाइए और हाफ इंच अब इधर मार्जिन लेंगे, हाफ इंच इधर मार्जिन लेंगे, ऐसे निशान लगा लें। अब देखिए मैं आपको एक तरफ समझा देती हूँ। ये देखिए हमने निशान ऐसे लगा लिया था, इसको सीधा कर लेंगे। अब आर्मोल की लंबाई हम जितनी है उतनी ही लेंगे, 7 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएं 18 इंच। ये देखिए 18 इंच पे हम दोनों तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है। देखिए हमें ऐसे निशान लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से ऐसे कटिंग करते हुए ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, आगे वाले पार्ट में केवल आगे का पल्ला उठाना है हमें और यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन करते हुए ऐसे ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे कटिंग कर लेनी है। अब ऐसे ही हम आगे के पल्ले में कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी गोलाई दे देंगे, फिर ये हाफ इंच हम डाउन करने के लिए निकाल देंगे। इससे हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी।
ऐसे ही हम बाजू में भी अभी कटिंग करेंगे। देखिए ऊपर से हम ऐसे 14 इंच पे हम वेस्ट की नाप लगा लेंगे। उसका वेस्ट 17 इंच था, ये देखिए ऐसे दोनों तरफ छोड़ते हुए हमने ये निशान लगा, इसी निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कमर की नाप लगाना। देखिए इसका साइज 22, 22 का डबल हुआ 44। देखिए इसका कमर 44 साइज है, हमें करना है इसकी 20 साइज कमर। और देख लीजिए ये इसमें देखिए बॉर्डर बना है। देखिए हमको कमर 20 इंच की करनी है तो हमारा बॉटम भी 20 इंच का रहेगा, तो इसकी फिटिंग कैसे करनी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसकी कमर 22 इंच आ रही है, हमें 20 की तैयार करनी है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ऊपर से कुर्ती में ऐसे हम 14 इंच पे एक वेस्ट का निशान लगाएंगे, फिर ऊपर से 20 इंच पे कमर पे निशान लगाएंगे। आप 21 पे भी लगा सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। देखिए हमने 20 इंच पे ये हिप का निशान लगा लिया। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं आपको चौक कैसे बनानी है। देखिए मैं कुर्ती को सही से अच्छे से रख लेना है चारों पल्ले बराबर करके। देखिए अब इसको यहाँ से हम बराबर कर लेते हैं। ये देखिए इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम आरमोल की कटिंग करेंगे, तो आरमोल के लिए हमें इसको खोल लेना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको डाउन कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमको दूसरी तरफ भी डाउन कर लेना है। देखिए हमने आरमोल दोनों तरफ हाफ हाफ इंच डाउन कर लिया है, इससे हमारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आ जाती है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। देखिए हम आपको बताएंगे बाजू में आपको आरमोल कैसे डाउन करना है। ऐसे हमें बाजू रख लेना है, 7 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से यहीं से ऐसे गोलाई देते हुए हम ऐसे मिला लेंगे। अब ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने बाजू डाउन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बाजू ऐसे ही रखनी है। अगर आप इधर बाजू डाउन कर देंगे तो आपकी बाजू उल्टा हो जाएगी, इसलिए आपको बाजू दोनों ऐसे बराबर से रख लेनी है। इससे हमारी बाजू खराब नहीं होंगी, नहीं तो जो आगे का आरमोल का कटिंग पीछे चला जाएगा। ऐसे आपको बराबर से रख लेनी दोनों आमने सामने, और इसमें भी इस साइड हमें कटिंग कर देनी। ऐसे हम इस साइड भी कटिंग कर देंगे। देखिए हमने दोनों बाजू के आरमोल डाउन कर दिए हैं। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। स्टिचिंग करने के लिए पहले हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू आपको कैसे लगानी है, पहले आपको बाजू ऐसे रख लेनी है। देखिए ऐसे रखेंगे तो हमारी बाजू उल्टा हो जाएगी, तो ये बाजू हमारी उस साइड जाएगी। ऐसे जिस साइड हमारा इसमें आरमोल कटा है और जिस साइड इसमें हमने डाउन किया है, वैसे ही हमको बाजू ऐसे पकड़नी है ऐसे, और ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी बाजू उल्टा सीधा हो जाएगी। ऐसे आपको रखना है, हमें इसको ऐसे उठाना है और इसका सीधा साइड और इसका सीधा साइड ऐसे पकड़ लेना है, और ऐसे हमें गोलाई से इसकी स्टिचिंग करते चले जाना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। देखिए हमने दोनों बाजू लगा ली है, ये देखिए। अब हम इसकी ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे, जितनी हमारी बाजू के आगे की गोलाई है ऐसे रखेंगे, और यहीं से इसकी फिटिंग देते हुए ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने कुर्ती की फिटिंग दे दी है और हमारी दोनों बाजू भी लग गई है। ये देखिए हमने कमर तक इसकी फिटिंग कर दी। अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए जब आप की कमर 20 इंच है और हमारा ये कपड़ा 1-1.5 इंच बढ़ रहा है,
अगर हम आप मशीन ऐसे निकालेंगे, देखिए ऐसे हमने सिलाई लगा के दिखाई है, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट मशीन चला लेंगे तो यहाँ पे हमारा कोना जैसा निकल आएगा, ये देखिए। फिर यहाँ की फिटिंग अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे हो जाएगी। और देखिए इसमें पाइपिंग भी लगी हुई है। अब आपको क्या करना है, देखो इसका चाक बनाने के लिए अब हम इसकी लेस निकाल देंगे, उसके बाद हम हल्की सी इसकी कटिंग करके फिर इसको यहाँ से फोल्ड करके आपको चाक बनाना बताएंगे। अब हम इसको खोल लेते हैं। देखिए हमने इसका बॉर्डर निकाल लिया है और कपड़े को मैंने साइड में अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखिए इसका, इसकी पाइपिंग, दोनों तरफ की पाइपिंग हमने निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, देखिए हमने फिटिंग का निशान लगा रखा है। अब आपको जितना कपड़ा फोल्ड करना है उतना मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा रखी है, इसी को हम सीधा ले जाते हुए इसका बॉटम बनाएंगे। देखिए इसको इंची टेप को ऐसे सीधा रख लीजिए। देखिए हमने निशान लगा लिया नीचे तक ऐसे ही। अब हम आप इसमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे। देखिए इसको हम एक फोल्ड ऐसे करेंगे 1/2 इंच का, फिर ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसका चाक बना लेंगे ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद हम इसकी पाइपिंग लगा देंगे, फिर इसकी पाइपिंग हम ऐसे लगा देंगे। चलिए इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए चाक के पास हमने कुर्ती की फिटिंग दे दी और हमारा चाक भी बन गया। दोनों तरफ हमने पाइपिंग भी लगा ली। अब आपको कुर्ती सीधी करके दिखाते हैं। देखिए हमारी कुर्ती की फिटिंग हो गई है। ये देखिए हमारा शोल्डर भी बराबर हो गया, ये देखिए। और इसकी देखिए आर्मोल की गोलाई भी बराबर आ गई। देखिए ये हमारी कुर्ती 36 साइज की तैयार हो गई है। आप भी ऐसे ही बहुत ही आसानी से कुर्ती की फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।